हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमने डेट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करनी है और एक डेट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे ये थ्रू आउट द एरिया या थ्रू आउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें हेल्प करेगा, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहा होगा। तो सबसे पहली टर्म जो हम कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कह लें, पार वैल्यू कह लें या नॉमिनल वैल्यू कह लें, कि तीनों ही लव्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब ये फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या चीज है? जब भी आप कोई डेट इंस्ट्रूमेंट बाय करते हो, जब भी आप कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय करते हो, यानी कि आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेस करो, डिबेंचर्स परचेस करो, सुकूक परचेस करो, टीएफसीज परचेस करो, या इवन आप किसी कंपनी के शेयर कैपिटल परचेस करो, प्रेफरेंस शेयर परचेस करो, ऑर्डिनरी शेयर परचेस करो, तो हर इंस्ट्रूमेंट की फेस पे एक अमाउंट लिखा होता है। हर इंस्ट्रूमेंट की फेस पे एक वैल्यू लिखी होती है। तो ये जो वैल्यू जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट की फेस पे लिखा है या डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इस वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहते हैं पार वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। पाकिस्तान में जनरली जितनी भी कंपनी के शेयर इशू किए जाते हैं उनकी फेस वैल्यू, उनकी पार वैल्यू 10 रुपए। पाकिस्तान में जितनी भी शेयर इशू किए जाते हैं उनकी फेस वैल्यू, उनकी पार वैल्यू 10 रुपए। लेकिन जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, चाहे आप कंपनी से डायरेक्टली बाय करो, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज से बाय करो, तो जरूरी नहीं है कि आप भी वो शेयर 10 रुपए का ही बाय करो। हो सकता है कि आपने वो शेयर 12 रुपए का, 15 रुपए का, 18 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का बाय किया हो। तो उस इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू 10 रुपए है और आप उसे बाय किसी और प्राइस पे कर सकते हो। या हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्डन मार्केट जाते हो प्राइस बॉन्ड परचेस करने के लिए। अब आप गोल्डन मार्केट गए और आपने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड चाहिए, और वो आपको 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड दे देता है, तो उस बॉन्ड की फेस पे लिखा होगा 1000 रुपीज। यानी कि प्राइस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1000। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1000 की फेस वैल्यू वाला प्राइस बॉन्ड आप 1000 में ही बाय करके आओ। हो सकता है कि उस दुकानदार ने आपको वो बॉन्ड 1050 का दिया हो, तो 1050 उसकी ट्रांजेक्शन प्राइस है, 1050 उस बॉन्ड की फेयर वैल्यू है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के, उस बॉन्ड के फेस पे जो वैल्यू लिखी है, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड पार वैल्यू, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। तो व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज द वैल्यू दैट इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फिर एक टर्म है हमारे पास दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। कूपन रेट क्या चीज है? सर, जब भी आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट बाय करते हो, चाहे फिर वो कोई बॉन्ड हो, चाहे फिर वो कोई डिबेंचर हो, चाहे फिर वो कोई सुकूक हो, चाहे वो कोई टीएफसी हो, इन सारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें एक पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिलती है। हमें एक पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिल रही होती है। ये पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट्स हर साल के आखिर में हो सकती है, हर मंथ के एंड पे हो सकती है, हर क्वार्टर के एंड पे हो सकती है, हर 6 महीने बाद सेमाइनली हो सकती है। तो किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट्स, मैं इंटरेस्ट इनकम का लफ्ज इंटेंशनली इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरेस्ट की पेमेंट्स, हर डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिलती है, दिस इज कॉल्ड कूपन पेमेंट। और ये जो कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है यूजिंग द कूपन रेट। तो कूपन रेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ कूपन इज द एनुअल इंटरेस्ट पेड, अ कूपन इज द एनुअल इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू एंड पेड फ्रॉम द इशू डेट अंटिल द मैच्योरिटी डेट। कूपन्स आर यूजुअली रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ द कूपन रेट। सर, कूपन पेमेंट या कूपन रेट क्या चीज है? कि जब भी हम कोई डेट इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं तो जनरली डेट इन्वेस्टमेंट में हमें कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिलती है। ये एनुअल बेसिस पे हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकती है, मंथली बेसिस पे हो सकती है, सेमाइनुअली बेसिस पे हो सकती है। तो ये जो पेमेंट्स इंटरेस्ट की कैलकुलेट की जाती है, जो पेमेंट्स कूपन की कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है यूजिंग द कूपन रेट। और एक बात याद रखिएगा कि कूपन रेट हमेशा इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है, हमेशा डेट इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है। यानी कि जो भी आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे आप कूपन रेट अप्लाई करोगे तो आपके पास कूपन अमाउंट या कूपन पेमेंट का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद जिस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया गया, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड और अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड क्या चीज है, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या चीज है, इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपके सामने एक बॉन्ड की एग्जांपल ली है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है जिसकी फेस वैल्यू है 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है जिसकी फेस वैल्यू है 1 लाख, और आप ये 1 लाख की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड 1 लाख में ही परचेस कर लेते हो।
अच्छा बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि इस पे हर साल 12% का कूपन मिलेगा और 3 साल की इसका मेच्योरिटी, यानी कि 3 साल के बाद ये रिडीम हो जाएगा, 3 साल के बाद ये मेच्योर हो जाएगा और 3 साल के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब अगर मैं इस बॉन्ड की कैश फ्लोज को प्लॉट करूं, देखिए 3 साल की इस बॉन्ड की लाइफ है, 3 साल की इस बॉन्ड का टर्म है। डे वन पे इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए आपकी जेब से 1 लाख रुपए का आउटफ्लो हुआ, तो डे वन पे हमने इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए का आउटफ्लो किया। अब इस बॉन्ड पे हमें हर साल 1 लाख की फेस वैल्यू पे 12% के हिसाब से 12,000 रुपए का कूपन रिसीव होगा, यानी कि पहले साल हमें 12 रुपए का कूपन मिलेगा, दूसरे साल हमें 12 रुपए का कूपन मिलेगा और तीसरे साल हमें 12 रुपए का कूपन मिलेगा। और 3 साल के बाद जब ये अपनी मेच्योरिटी पे आ जाएगा, इसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो 3 साल की मेच्योरिटी पे हमें हमारे 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो मैंने क्या करा कि इस प्रेजेंटेशन में इस बॉन्ड के कैश फ्लोज को प्लॉट कर दिया कि डे वन पे हमें 1 लाख इन्वेस्ट करना है, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में हमें 12-12 रुपए का कूपन और 3 साल के बाद हमें हमारी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल रिपेमेंट वापस मिल जाएगी। अब इन कैश फ्लोज के अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या? देखिए अगर आप इस कैश फ्लोस को समझें, तो डे वन पे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, पहले साल के आखिर में 12, दूसरे साल के आखिर में 12, तीसरे साल के आखिर में 12 और फिर 100 रुपए, यानी कि इन टोटेलिटी आप 136 रुपए रिकवर करोगे, इन टोटेलिटी आप 136 रुपए रिकवर करोगे, तो आपका प्रॉफिट या आपकी इनकम कितनी है? सर हमारा प्रॉफिट या हमारी इनकम है 36 रुपए। अगर मैं डे वन पे 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं और 12, 12, 12, 36 और 100 वापस मिलेंगे, तो मेरी इनकम कितनी है? 36,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है, एक ऐसा इंटरेस्ट का रेट है जो कि आपकी इस 36 की इनकम को सिस्टमैटिकली पीरियोडिकली इन 3 सालों पे एलोकेट कर देगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसे इंटरेस्ट रेट का नाम है जो कि आप इसकी आपकी 36 की इनकम को इन 3 सालों पे सिस्टमैटिकली कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलोकेट कर देगा। अगर मैं इन कैश फ्लोस को कंसिडर करते हुए हाई लो मेथड अप्लाई करते हुए इन कैश फ्लोस का IRR कैलकुलेट करूं, इन कैश फ्लोस का IRR कैलकुलेट करूं, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो आपके पास आएगा 12%, क्योंकि आपके पास आएगा 12%, तो इन कैश फ्लोस का IRR आ गया 12%। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है, इसमें कूपन रेट और IRR दोनों बराबर आ रहे हैं, कूपन रेट भी 12% है और IRR भी 12% है। रीजन बीइंग कि इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए हमारी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, इस इन्वेस्टमेंट को हमने 1 लाख की फेस वैल्यू पे ही डे वन पे परचेज किया है और इस इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी पे भी हमें 1 लाख ही मिलेंगे, तो इफेक्टिवली हमारी इनकम क्या है? सर हमें जो कूपन मिल रहे हैं इन 3 सालों में, जो हम कूपन रिसीव करेंगे, ये 3 सालों के कूपन ही हमारी इनकम है। तो चूंकि कूपन रेट IRR रेट हमारा सेम आ रहा है, रीजन बीइंग के जो कूपन हमें रिसीव होगा वही इफेक्टिवली हमारी इनकम है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का IRR भी 12% ही आ रहा है। अब आप कैलकुलेट करोगे, अब आप बनाओगे एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, तो मैं आपके सामने एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता हूं। अब देखिए अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में आपके पास मल्टीपल कॉलम आ रहे हैं, पहला कॉलम इयर्स का है, फिर ओपनिंग बैलेंसेस, फिर इंटरेस्ट इनकम यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, फिर कूपन की पेमेंट्स और फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। हमारे पास इस एग्जाम्पल में बॉन्ड की जो लाइफ है वो 3 साल की है, तो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। डे वन पे हमने ये बॉन्ड परचेस किया 1 लाख की परचेस प्राइस पे, तो ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 लाख, ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 लाख। हमारा IRR कितना है? 12%। याद रखिएगा कि जो आपकी इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी वो यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगी, दैट इज IRR, और वो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे अप्लाई होगा। जो भी हमारी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट, ये अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी हमारी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, इस पे हम IRR के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर आपके पास कैलकुलेट होगी कूपन पेमेंट, याद रखिएगा कूपन पेमेंट हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट होगा, कूपन पेमेंट हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट होगा। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख, कूपन रेट कितना है? 12%। तो अब 1 लाख का 12%, यानी कि कूपन की पेमेंट आ गई 12,000, जो हमने ऑलरेडी ऊपर कैश फ्लोज में भी प्लॉट की थी। और हमारे पास ओपनिंग, उस पर IRR के से इंटरेस्ट इनकम ऐड होगी,
जो कूपन पेमेंट हमने रिसीव कर ली वो लेस होगी और हमारे पास क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट बनेगी। तो अगर मैं शेड्यूल को पूरा करूं तो ये हमने बॉन्ड की 3 साल की लाइफ को देखते हुए 3 साल का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पूरा कर लिया। क्योंकि इस एग्जाम्पल में कूपन भी 12% है और आई आर आर भी 12% है, 1 लाख रुपए का 12% आई आर आर, 12,000 की हमारी इंटरेस्ट इनकम आई, वही 12,000 की इंटरेस्ट इनकम हमने कूपन की फॉर्म में रिसीव कर ली, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है। फिर पहले साल की क्लोजिंग वैल्यू अगले साल के लिए ओपनिंग वैल्यू है, इस पे 12% आई आर आर से इंटरेस्ट इनकम आई, 12,000 की कूपन पेमेंट रिसीव हुई, क्लोजिंग वैल्यू भी 1 लाख। फिर दूसरे साल की क्लोजिंग, तीसरे साल का ओपनिंग, 12,000 की इंटरेस्ट इनकम, 12,000 की कूपन पेमेंट और हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे आ गई। और इस ईयर 3 के एंड पे हमें ये 1 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे तो हमारा कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई प्रीमियम या डिस्काउंट का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को फेस वैल्यू पे परचेस किया है, तो जो हमारा कूपन रेट है वही हमारा IRR इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो हम कूपन की मद में एडिशनल कैश फ्लो रिसीव कर रहे हैं वही हमारी एडिशनल इनकम है और हमने एक सिंपल सा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ड्रॉ कर दिया है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एग्जाम्पल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है। अब की बार हमारे पास एक बॉन्ड है जो हमने परचेस किया और इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1 लाख, लेकिन अब की बार जो हमने ये बॉन्ड परचेस किया ना वो हमने परचेस किया 1,05,000 का, यानी कि आप एक बॉन्ड परचेस कर रहे हो जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है लेकिन आप इसे परचेस कर रहे हो 1,05,000 रुपए का, यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि ये बॉन्ड मैंने परचेस किया एट अ प्रीमियम ऑफ 5,000, ये बॉन्ड मैंने परचेस किया एट अ प्रीमियम ऑफ 5,000, क्योंकि 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाली चीज अगर मैं 1,05,000 की बाय कर रहा हूं तो मैंने 5,000 रुपए एक्सेस यानी कि 5,000 रुपए प्रीमियम के नाम पे किए। कूपन रेट हमारा 12% है और हमारा टर्म 3 साल का ही है। मैं इनके अगर कैश फ्लोज बनाऊं देखिए 3 साल की इस बॉन्ड की लाइफ है, अगर मैं इनकी कैश फ्लोज बनाऊं तो डे वन पे मेरी जेब से 1,05,000 रुपए जा रहे हैं, डे वन पे मेरी जेब से 1,05,000 रुपए जा रहे हैं, मुझे पहले साल के आखिर में 1 लाख की फेस वैल्यू का 12% कूपन यानी कि 12,000 की कूपन पेमेंट रिसीव होगी, फिर दूसरे साल के आखिर में 12,000 की कूपन पेमेंट और फिर तीसरे साल के आखिर में भी 12,000 की कूपन पेमेंट, और 3 साल की मेच्योरिटी पे हमें 1 लाख नहीं बल्कि हमारे एक सॉरी हमारे हमें 1,05,000 नहीं बल्कि हमें 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू रिपे हो जाएगी। तो मैंने डे वन पे 1,05,000 इन्वेस्ट किए, पहले साल 12%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 12%, कूपन रेट के हिसाब से 1 लाख की फेस वैल्यू पे 12 12 12 का कूपन रिसीव हुआ और 3 साल के बाद हमें हमारी फेस वैल्यू यानी कि 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगी। अब हमें इन कैश फ्लोज का कैलकुलेट करना है एक IRR। IRR एक ऐसा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, IRR एक ऐसा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है क्योंकि आपकी इनकम को सिस्टमैटिकली अलोकेट कर देता है ऑन द यूजफुल लाइफ ऑन द टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहां पे आपको कूपन की मद में कितना फायदा हो रहा है, सर हमें कूपन की मद में 3 सालों में 3,600 रुपए मिलेंगे, अगर मुझे 12 12 और 12 के 3 कूपन मिल रहे हैं तो कूपन की कितनी पेमेंट मिलेगी, 3,600 रुपए। लेकिन जो चीज आपने 1,05,000 की खरीदी डे एंड पे 3 साल के बाद आपको उसके अगेंस्ट 1 लाख मिलेंगे तो आपको प्रीमियम की वजह से 5 रुपए का लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, आपको प्रीमियम की वजह से 5 रुपए का लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो आपको नेट फायदा कितना हुआ है, नेट फायदा हुआ है 31,000। अब आपने एक ऐसा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है जो कि 31,000 की इनकम को इन 3 सालों पे अलोकेट कर दे, सिस्टमैटिकली अलोकेट कर दे। तो मैं इन कैश फ्लोज को यूजिंग द हाई लो मेथड IRR के फॉर्मूला में डालूंगा तो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट का IRR कैलकुलेट हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 9.99%। ये 9.99% का IRR बेसिकली आपकी 31,000 की इनकम को इन 3 सालों पर सिस्टमैटिकली अलोकेट कर रहा है। अब मैं इसका एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कंप्लीट करता हूं। हमने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, डे वन पे ही हमने इन्वेस्टमेंट हमने बाय किए 1,05,000 की तो हमारे पास ओपनिंग वैल्यू आएगी 1,05,000। सेकेंड कॉलम में हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम याद रखिएगा ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय IRR दैट इज 9.9%, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरे कॉलम में कूपन पेमेंट, कूपन पेमेंट हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट जो कि इस एग्जांपल में 12% है और फिर हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख का 12% कूपन की पेमेंट तो 12,000 आ जाएगी
जो कि तीनों सालों में ही कॉमन रहेगी। और अगर मैं शेड्यूल को पूरा करूं तो 1,05,000 का 9.99%, तो पहले साल की इंटरेस्ट इनकम आ रही है 10489। 1,05,000 पे 10,490 के करीब इंटरेस्ट इनकम आई, 12,000 का कूपन रिसीव हुआ, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस हुआ, कम हुआ, हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई 1,03,490 के करीब। फिर इसी तरीके से 1,03,490, 10,338 की इंटरेस्ट इनकम यूजिंग दी 9.99% IRR, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 101,828। फिर दूसरे साल का क्लोजिंग, तीसरे साल का ओपनिंग 101,828, तीसरे साल की इंटरेस्ट इनकम आएगी 10,172 और तीसरे साल के आखिर में क्लोजिंग बन जाएगा 1,00,000। अब देखिए ये IRR ने क्या कमाल किया, ये IRR ने ये कमाल किया कि एक इन्वेस्टमेंट जो आपने डे वन पे 1,05,000 की परचेज की थी, इसने तीन सालों में इसे खुद ब खुद 1,00,000 से कम करके 1,00,000 बना दिया, क्योंकि हमें मेच्योरिटी पे कितने मिलेंगे 1,00,000। और हमने इन तीन सालों में कैश फ्लो टर्म में कितना कमाया सर, हमने इन तीन सालों में कैश फ्लो टर्म में कमाया 31,000। तो अगर आप अपनी इन तीनों इंटरेस्ट इनकम का टोटल करेंगे तो ये भी आपके पास 31,000 ही आ रहा होगा। IRR बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी आपकी रियल इनकम है, जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है, जो भी आपकी अफेक्टिव इनकम है, उसे यूजफुल लाइफ ऑफ द बॉन्ड टर्म्स ऑफ द बॉन्ड पे सिस्टमेटिकली एलोकेट कर रहा है कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, यही कॉन्सेप्ट बेसिकली कहलाया जाता है अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैथड। ये जो IRR हमने कैलकुलेट किया ये कहलाया जाता है अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मैं और एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा लेकिन पहले मैं एक दो डेफिनेशन रीड करता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैथड की। द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैथड इज द मैथड यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड द अलोकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू और इंटरेस्ट एक्सपेंस इन PNL ओवर द पीरियड। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैथड एक ऐसे मैथड का नाम है जो कि अलोकेशन और रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट को PNL में रिकॉर्ड करवाता है ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड यानी कि ओवर द टर्म, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेट। अभी डेट अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है, और अगर हमने लोन लिया होता तो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती। अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आएगी। अगर हमने लोन लिया होता तो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होती और हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होता। तो अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसे मेथड का नाम है जो कि आपके डेट पे, चाहे वो डेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, कि जो भी अफेक्टिव इंटरेस्ट रिटर्न या जो भी अफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट बन रही है उसे ओवर द पीरियड यानी कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट सिस्टमेटिकली अलोकेट कर देता है और हमें रिकॉग्निशन के लिए एक अमाउंट बता देता है जो आपने PNL में रिकॉर्ड करना। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन देखते हैं। द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट एग्जैक्टली डिस्काउंट्स द फ्यूचर कैश फ्लोज टू द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, थस इट रिजल्ट्स इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीरो। इट इज द IRR ऑफ ऑल कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द लैंडिंग और बोरिंग। देखें अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो कि आपके फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करता है एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे जिस पे आपने एसेट या लायबिलिटी को इनिशियली रिकॉर्ड किया है। यानी कि IRR से आपके सारे कैश फ्लोज की NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाती है। बेसिकली ये आपका IRR है आपकी लैंडिंग या बोरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। देखें हमने इन कैश फ्लोज को रखते हुए IRR कैलकुलेट किया 9.99%। अगर आप 9.99% से इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे ना तो आपके पास 1,05,000 बनेगा। अगर आप इस 9.99 के IRR से इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे ना तो आपके पास 1,05,000 बनेगा। और अगर आप इस IRR से इन सारे कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे तो आपके पास NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो बन रही होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR आपके सारे कैश फ्लोज की NPV जीरो कर देता है या फ्यूचर कैश फ्लोज की एग्जैक्टली वही अमाउंट क्रिएट करता है जिसपे हमने अपने एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को डे वन पे रिकॉग्नाइज किया है। एक और तीसरी टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है अमोर्टाइज कॉस्ट। तब हम अमोर्टाइज कॉस्ट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अमोर्टाइज कॉस्ट? अमोर्टाइज कॉस्ट इज द अमाउंट एट विच फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी इज मेजर्ड एट इनिशियल रिकॉग्निशन। अमोर्टाइज कॉस्ट इज द अमाउंट एट विच फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी इज मेजर्ड एट इनिशियल रिकॉग्निशन। यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो डे वन पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया 1,05,000 की प्राइस पे, 1,05,000 की प्राइस पे, तो ये मेरे लिए अमोर्टाइज कॉस्ट है। लेकिन आगे कहता है माइनस द प्रिंसिपल रिपेमेंट्स प्लस और माइनस द क्यूमुलेटिव अमोर्टाइजेशन यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल अमाउंट एंड द मैच्योरिटी अमाउंट। हर पीरियड एंड पे अमोर्टाइज कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। डे वन पे जब आपने ये इन्वेस्टमेंट एक्वायर की 1,05,000 की तो आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट 1,05,000 थी।
फिर पहले साल के आखिर तक आते आते आपने इस पे अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करते हुए इंटरेस्ट इनकम क्यूमुलेट की, जो पेमेंट या कूपन पेमेंट या प्रिंसिपल रिपेमेंट, अगर कोई अमाउंट रिपे हो रहा है तो वो अमाउंट आपने डिडक्ट किया, साल के आखिर में ये वैल्यू बच गई, तो पहले साल के आखिर में अमोर्टाइज कॉस्ट आ गई 1,03,000। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के स्टार्ट, फिर इंटरेस्ट इनकम, फिर कूपन पेमेंट को डिडक्ट किया, तो ये सेकेंड ईयर के एंड पे क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ गई। और इसी तरीके से थर्ड ईयर के एंड पे हमारे पास ये क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ गई। एक अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन तो हमने यहां देखी, अमाउंट एट विच फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड प्लस सॉरी माइनस द प्रिंसिपल रिपेमेंट्स या इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस माइनस द क्यूमुलेटिव अमोर्टाइजेशन यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आसान अल्फाजों में अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं, तो अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग IRR। अगर आप किसी भी पॉइंट पे, अगर आप किसी भी पॉइंट पे अपनी डेट की अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दें IRR से। क्या मतलब? देखो, अगर मुझे ईयर जीरो पे अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो मैं 1, 2 और 3 इन तीनों कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दूं IRR से, तो मेरे पास डे वन की अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं पहले साल के आखिर पे अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो फ्यूचर कैश फ्लोज में 1 और 2 ये कैश फ्लोज है, इन कैश फ्लोज की अगर मैं डिस्काउंटिंग कर दूं 9.99% से, तो पहले साल के आखिर में अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप इस 12 और 100 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो वो 1,03,490 ही आ रहा होगा। अगर आप दूसरे साल के आखिर में अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर कैश फ्लो सिर्फ ये 1,12,000 है। आप 1,12,000 को एक साल डिस्काउंट करें यहाँ पे 9.99% से, तो आपके पास अमोर्टाइज कॉस्ट 1,01,828 ही बन रही होगी। तो हमने 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी। सबसे पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो, उसके फेस पे लिखी है। ये फेस वैल्यू भी कहलाया जा सकता है, पार वैल्यू भी कहलाया जा सकता है, नॉमिनल वैल्यू भी कहलाया जा सकता है। फिर हमने एक टर्म देखी अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैथड। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मैथड का मतलब है कि एक ऐसा मैथड जो कि आपकी अफेक्टिव इनकम, जो कि आपकी अफेक्टिव एक्सपेंस को डेट इंस्ट्रूमेंट की यूजफुल लाइफ पे, डेट इंस्ट्रूमेंट के टर्म पे सिस्टमैटिकली एलोकेट कर दे, कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। IRR का मतलब है एक ऐसा जादुई रेट जो कि फ्यूचर कैश फ्लोज की एक्जैक्टली वही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें जिसपे आपने अपने डेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया, या एक ऐसा जादुई रेट जो आपके सारे सिस्टम ऑफ कैश फ्लोज की एनपीवी को जीरो कर दे। और फिर एक टर्म हमने देखी अमोर्टाइज कॉस्ट। जब हम फ्यूचर कैश फ्लोज की IRR से डिस्काउंटिंग करते हैं, तो हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट आती है। या अगर हम अपने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल्स को देखें, ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट में आपने IRR से इंटरेस्ट इनकम क्यूमुलेट की, कूपन की पेमेंट्स या जो भी पेमेंट है उसे रिड्यूस किया, डिडक्ट किया, तो हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट हर ईयर एंड के एंड पे कैलकुलेट होती जाएगी। अब मैं एक और थोड़ी और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी है, उसमें एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 1,00,000। आपने ये बॉन्ड परचेज किया है 85,000 का, यानी 1,00,000 की फेस वैल्यू वाली चीज आपने 85,000 की परचेज कर ली। यानी कि दूसरे अल्फाजों में मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉन्ड हमने डिस्काउंट पे परचेज किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 15,000। अगर 1,00,000 वाली चीज आप 85,000 में बाय करके आ जाते, तो आपने ये चीज 15,000 के डिस्काउंट पे बाय की है। 12% का कूपन रेट है और 3 साल का टर्म है। मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल और कैश फ्लोस प्लॉट करता हूं। देखिए, इस बॉन्ड के अगर हम कैश फ्लोस प्लॉट करें, तो इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए डे वन पे हमने 85,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि हमारी जेब से 85,000 है। फिर हमें हर साल 1,00,000 की फेस वैल्यू पे 12% से कूपन मिलेगा, यानी कि 12,000 12,000 12,000, और 3 साल बाद ये मेच्योर हो जाएगा, तो मेच्योरिटी पे हमें हमारे 1,00,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर मैं ये देखूं कि मैंने अफेक्टिवली कैश फ्लो टर्म में कितना कमाया, सर मैं कैश फ्लो टर्म में 3 साल तक 12 का कूपन रिसीव करूंगा, यानी कि 36,000, और 1,00,000 रुपए की चीज मैंने 85,000 में बाय की है, जो 3 साल बाद मुझे 1,00,000 रिकवर करके देगी, यानी कि मुझे डिस्काउंट के अगेंस्ट 15,000 की इनकम हुई है। अगर 36 के कूपन रिसीव होंगे, 15,000 का हमारा डिस्काउंट का हमें फायदा हुआ है, तो 36 + 15 ये आ गया 51, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट पे इफेक्टिवली आप 51,000 रुपए कमाओगे। अब आप इस कैश फ्लोज को देखते हुए एक IRR कैलकुलेट करोगे। IRR मतलब वो जादुई रेट जो कि इन कैश फ्लोज की एनपीवी को जीरो कर दे, या इन फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग एग्जैक्टली 85,000 तक बनाए।
मैंने यहाँ पे IRR ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप लोगों को भी एग्जाम में जनरली IRR गिवन होगा, हमसे कैलकुलेट नहीं करवाया जाएगा, लेकिन अगर IRR कैलकुलेट करवाए भी जाए तो वो कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है। हमने एक हाइलो मेथड कवर किया है जिसमें हम कैश फ्लोज को प्लॉट करते हैं बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव, और हाइलो मेथड में प्लॉट करने के बाद हम उसका IRR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास IRR आ रहा है 19.01%, यानी ये एक ऐसा रेट है जो आपकी इस 51,000 की इनकम को 3 सालों पे सिस्टमैटिकली एलोकेट कर देगा। वेरीफाई करने के लिए अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं। 3 साल का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। डे 1 पे हमने इन्वेस्टमेंट बाय की 85,000 की, तो हमारे पास ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी 85,000। फिर ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे हम IRR अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है 19.01%। कूपन पेमेंट हमारी 12,000 सेम ही रहेगी, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट और क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट। तो मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को पूरा कर लेता हूं। ये हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कंप्लीट हुआ और ये 3 साल के आखिर में 1 लाख पे पहुंच गया, यानी कि आपके इस IRR ने इस 85,000 की डे 1 के अमोर्टाइज कॉस्ट को 3 साल के बाद 1 लाख कर दिया, या ये जो 51,000 की इनकम है ना, इसे 3 सालों पे सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दिया। अगर आप अपने इंटरेस्ट इनकम के कॉलम का टोटल करेंगे ना, तो ये आपके पास एग्जैक्टली 51,000 ही बन रहा होगा, और जो भी हमारी इनकम थी वो सिस्टमेटिकली 3 सालों पे एलोकेट हो गई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अनकवर होने लगा है। देखिए, जो हमने सबसे पहली एग्जाम्पल देखी थी ना, हमारी पहली एग्जाम्पल में कूपन रेट और IRR सेम था। रीजन बीइंग कि फेस वैल्यू पे हमने इन्वेस्टमेंट को परचेस किया और फेस वैल्यू पे ही ये मैच्योर या रिडीम हो रही थी, तो जो हमें कूपन मिल रहा था वही हमारी इनकम थी, इस वजह से कूपन रेट और अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न सेम आ रहा था। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हमने 1 लाख वाली चीज 1,05,000 में बाय की, महंगी बाय की। जब आपने 1 लाख की चीज 1,05,000 में बाय की और मैच्योरिटी पे ये आपको सिर्फ 1 लाख रिटर्न करवाएगा, तो इसका मतलब है कि अब आपने जो कूपन कमाए ये आपकी इनकम नहीं है। 5,000 रुपए का आपको प्रीमियम की वजह से लॉस हुआ, आपकी नेट इनकम कितनी है 31,000। चूंकि हमारी नेट इनकम हमारी कूपन की इनकम से कम आ रही है, इसीलिए जो हमारा IRR कैलकुलेट हुआ है वो कूपन रेट से कम कैलकुलेट हुआ है। कूपन रेट 12% था, IRR 9.99%। तीसरी एग्जांपल में आपने 1 लाख वाली चीज 85,000 में बाय की 15,000 के डिस्काउंट पे, जो 3 साल के बाद आपको 1 लाख लाकर देगा, प्लस 3 साल तक 12,000 रुपए के हिसाब से 36% डिस्काउंट कूपन भी रिसीव होगा। तो कूपन हमारे 36,000 का है, 15,000 की हमारी डिस्काउंट की वजह से इनकम आ रही है, तो टोटल इनकम आ रही है 51,000। चूंकि हमारी इनकम हमारी कूपन की इनकम से ज्यादा आ रही है, तो अब हमारा IRR हमारे कूपन से ज्यादा आ रहा है। पहली वाली एग्जाम्पल में कूपन रेट और IRR सेम, क्योंकि कूपन की इनकम ही हमारी रियल इनकम एक्चुअल इनकम थी। सेकेंड वाले केस में IRR कूपन रेट से कम, क्योंकि हमारी एक्चुअल इनकम कूपन की इनकम से कम थी। तीसरे वाले केस में हमारा IRR कूपन से ज्यादा, क्योंकि हमारी एक्चुअल इनकम हमारी कूपन की इनकम से ज्यादा बन रही है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कूपन रेट को डिफ्रेंशिएट कर देती है फ्रॉम दी IRR, यानी कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आपका कूपन रेट और IRR सेम नहीं आ रहा होगा। टोटल 5 चीजें, इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा चीज होगी तो आपका IRR और कूपन सेम नहीं आएगा, वो डिफरेंट होगा। कौन कौन सी, पहले मैं उसे लिख देता हूं। सर, ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों की वजह से अल्टीमेटली आपका एक्चुअल अफेक्टिव रिटर्न हिट हो रहा होगा, अफेक्टिवली एक्चुअल रिटर्न इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, और जैसे जैसे आपका एक्चुअल रिटर्न इंक्रीज या डिक्रीज होगा, आपका कूपन रेट और आपका IRR एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि अगर एक इन्वेस्टमेंट की परचेज पे आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इनकर होना आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कम कर देगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का होना आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को, इनकम को कम कर देगा। तो अगर हमारे सिनेरियो में ट्रांजेक्शन कॉस्ट और वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी कूपन रेट और IRR में डिफरेंस क्रिएट कर देगा। किस तरीके से? ट्रांजेक्शन कॉस्ट के होने की वजह से, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के होने की वजह से हमारा रिटर्न कम हो रहा है, तो हमारा IRR, हमारा IRR हमारे कूपन रेट से कम आएगा। फिर इसके बाद सेकंड चीज हो सकती है इश्यूएंस एट प्रीमियम, यानी आप कोई चीज फेस वैल्यू से महंगी बाय करो,
जब आप कोई चीज फेस वैल्यू से महंगी बाय करोगे तो इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो जाएगा। आपका ओवरऑल रिटर्न कम होगा तो होगा ये कि हमारा IRR हमारे कूपन से कम आ रहा होगा। तीसरी चीज इश्यूएंस डिस्काउंट, यानी आप कोई बॉन्ड डिस्काउंट पे बाय कर लो, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे बाय कर लो। जब आप कोई बॉन्ड फेस वैल्यू से कम पे बाय करोगे तो आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ जाएगा, आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो हमारा IRR है वो हमारे कूपन रेट से ज्यादा आ रहा होगा। अब ये दो चीजें तो ऐसी थी जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 में एक्सप्लेन की। एक और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे जिसमें रिडेम्पशन रेट प्रीमियम या रिडेम्पशन रेट डिस्काउंट हो सकता है। यानी कि 1,00,000 की फेस वैल्यू है, ज्यादातर केसेस में तो मैं मेच्योरिटी पे 1,00,000 ही मिलेंगे, तो ये रिडेम्पशन एट पार वैल्यू रिडेम्पशन एट फेस वैल्यू कहलाया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगी, यानी 1,00,000 की फेस वैल्यू है लेकिन रिडेम्पशन पे 1,00,000 से ज्यादा मिलेंगे। ये रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होगी, यानी कि 1,00,000 की फेस वैल्यू है लेकिन मेच्योरिटी पे रिडेम्पशन के वक्त 1,00,000 से कम पैसे मिलेंगे। तो ये चीज रिडेम्पशन एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर करेगी। अब अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, अगर मेच्योरिटी के वक्त एक फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा ओवरऑल रिटर्न बढ़ेगा, हमें ओवरऑल फायदा होगा। तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम के केस में भी हमारा IRR हमारे कूपन रेट से ज्यादा आएगा। और अगर रिडेम्पशन एट डिस्काउंट है, यानी कि फेस वैल्यू से कम पहले पैसे मिलेंगे मेच्योरिटी पे, तो अगर फेस वैल्यू से कम पैसे मिलेंगे मेच्योरिटी पे तो आपका ओवरऑल रिटर्न कम होगा। ओवरऑल रिटर्न कम होगा तो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट के केस में आपका IRR आपके कूपन रेट से कम आ रहा होगा। तो डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में ये 5 चीजें हैं जो कि कूपन रेट और IRR को डिफरेंट कर देती है। आपके सिनेरियो में 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा चीज हो सकती है। जब भी इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा चीज आपके सिनेरियो में होगी, डेफिनेटली आपका कूपन रेट आपके IRR से डिफरेंट वर्कआउट होगा। अगर इन 5 में से कुछ भी नहीं है हमारे सवाल में तो हमारा कूपन रेट IRR सेम होगा। लेकिन अगर इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा चीज आ जाती है तो फिर आपका कूपन रेट अलग होगा, IRR अलग होगा। याद रखिएगा कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है, IRR हमेशा ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे अप्लाई होता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां देखें, अब हमारे पास एग्जांपल में फेस वैल्यू है 1,00,000, परचेज प्राइस है 1,05,000, यानी कि 1,00,000 वाली चीज आप 1,05,000 की बाय कर रहे हो, यानी कि 5,000 के प्रीमियम पे बाय कर रहे हो, यानी कि 5,000 के प्रीमियम पे बाय कर रहे हो। अब प्रीमियम पे बाय करने की वजह से आपका ओवरऑल रिटर्न कम होगा। फिर इस इंस्ट्रूमेंट को बाय करने में हमारी 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लग गई, 12% का कूपन है, 3 साल की मेच्योरिटी है। तो अगर मैं इसके कैश फ्लो प्लॉट करूं तो day 1 पे मेरी जेब से 1,05,000 जा रहे हैं, day 1 पे मेरी जेब से 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जा रही है। पहले साल के बाद मुझे 1,00,000 का 12% 12,000 और 12,000 तीनों सालों तक 12,000 के कूपन रिसीव होंगे और 3 साल के बाद हमें हमारे 1,00,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ये मैंने इसके कैश फ्लो प्लॉट कर दिए। day 1 पे 1,08,000 की इन्वेस्टमेंट, 1,05,000 का बॉन्ड, 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 12% के हिसाब से 3 सालों पे कूपन और 3 साल के बाद मेच्योरिटी पे 1,00,000 रुपए वापस मिल गए। अब इन कैश फ्लोज को देखते हुए अगर मैं IRR कैलकुलेट करूं तो IRR हमारे पास आ रहा है 8.85%। अब अगर आप गौर करें तो आपका IRR कूपन से कम आ रहा है, कूपन 12% है, IRR 8.85% है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने ये बॉन्ड प्रीमियम पे परचेस किया, इश्यूएंस एट प्रीमियम की वजह से आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो गया। सेकेंडली, इस बॉन्ड की परचेस पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से भी आपका ओवरऑल रिटर्न कम हो गया। सर इफेक्टिवली मैंने कितना कमाया? देखो, कूपन की मद में आप 3 सालों में 36 कमाओगे, लेकिन 1,00,000 की चीज आपने 1,05,000 की परचेस की है तो 5 रुपए का प्रीमियम बर्दाश्त किया, फिर इसकी परचेस पर आपने 3,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है, तो आपका जो नेट रिटर्न है ना, वो नेट रिटर्न कितना है, 36 - 5 - 3, तो ये आ गया 28,000। अब IRR इसी 28,000 के रिटर्न को 3 सालों पर सिस्टमेटिकली एलोकेट करेगा, जो हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में नजर आएगा। अगर मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाऊं तो year 1, year 2, year 3, day 1 पे हमने 1,05,000 प्लस 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि 1,08,000 रुपए का इसको रिकॉर्ड किया, जितने का हमने परचेस किया। IRR है हमारा 8.85%, तो ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे IRR अप्लाई करेंगे, 12,000 का 3 साल तक सेम कूपन रहेगा और हर साल के आखिर में अमोर्टाइज कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं शेड्यूल को पूरा कर लेता हूं।
इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में जो डे वन पे 1,08,000 की हमने अमोर्टाइज कॉस्ट रिकॉर्ड की थी, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इस शेड्यूल ने, इस आईआरआर ने इस 1,08,000 को 3 साल के बाद 1 लाख बना दिया। फिर जो हमारी 28,000 की 3 सालों में इनकम थी, ये 3 सालों की इनकम को इंटरेस्ट इनकम के कॉलम में अफेक्टिवली तीनों सालों में अलोकेट कर दिया है। तो चूंकि यहाँ पे हमने एक चीज प्रीमियम पे परचेज की और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बर्दाश्त की, तो इन दोनों चीजों ने हमारा ओवरऑल रिटर्न कम कर दिया। इस वजह से हमारा आईआरआर हमारे कूपन रेट से कम आ रहा है। और इसके बाद फिर हम एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है। आपने 1 लाख की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड 1 लाख में ही परचेज किया, लेकिन 1 लाख की परचेज के अलावा आपको 3,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। तो आपका टोटल खर्चा हुआ 1,03,000 का। 12% का कूपन है, 3 साल की मैच्योरिटी है। अब 3 साल के बाद मैच्योरिटी रिडेम्पशन पे हमें हमारे 1 लाख नहीं बल्कि 1,20,000 मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे रिडेम्पशन के वक्त मैच्योरिटी के वक्त 20,000 का प्रीमियम है। अगर 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू वाली चीज आपको 3 साल के बाद 1,20,000 दिला रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी मैच्योरिटी, इसके रिडेम्पशन 20,000 के प्रीमियम पे हो रही है। तो ये प्रीमियम एंड रिडेम्पशन है। अब हम इनके कैश फ्लो प्लॉट करते हैं और इनका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। यहां देखें, 1,00,000 रुपए का बाय किया प्लस 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो डे वन से हमारी जेब से 1 लाख और 3,000 जाएंगे। फिर तीनों सालों के आखिर में 12,000 रुपए के हिसाब से कूपन रिसीव होगा और 3 साल के बाद हमें 1,20,000 रुपए रिसीव होंगे। तो अगर मैं कैश फ्लो टर्म में देखूं, एक तो मैं कूपन कमा रहा हूं कितना, 36 का। फिर इसकी रिडेम्पशन, इसकी मैच्योरिटी पे हमें प्रीमियम मिल रहा है कितना, 20,000 का। और इसको परचेज करने के लिए हमें 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। तो हमारा जो अफेक्टिव रिटर्न है, 36 रुपए का 3 सालों में कूपन, 20 रुपए का मैच्योरिटी पे प्रीमियम और डे वन पे 3 रुपए की या 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो 36 + 20 - 3 हमारा अफेक्टिव रिटर्न है 53। अब मैं एक रेट कैलकुलेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड आईआरआर, जिन पे इन सारे कैश फ्लोज की एनपीवी 0 आ जाएगी। तो आईआरआर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो आईआरआर आ रहा है हमारे पास 10.78%। सॉरी, आईआरआर हमारे पास आ रहा है 10.78 नहीं, आईआरआर हमारे पास आ रहा है 16.34%। अब आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा आ रहा है। देखिए, एक तो आपके पास इस सवाल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपके आईआरआर को आपके कूपन से कम कर देगी, आपके रिटर्न को कम कर देगी, तो आपका आईआरआर ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से कूपन से कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम का भी इम्पैक्ट है, 20,000 रुपए का प्रीमियम है, तो 20,000 रुपए के प्रीमियम ने आपके ओवरऑल रिटर्न को इंक्रीज कर दिया। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिटर्न को कम कर रही है, प्रीमियम एंड रिडेम्पशन रिटर्न को इंक्रीज कर रही है। तो इन दोनों का नेट इंपैक्ट ये निकल रहा है कि हमारा आईआरआर 16.34% आ रहा है और हमारा कूपन रेट 12% था। ये चीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में प्रूफ भी हो जाएगी। 3 साल का हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे। डे वन पे हमने 1 लाख प्लस 3,000, 1,03,000 पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की। ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट इंटू आईआरआर हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आएगी और कूपन की पेमेंट्स तो 12,000 ही रहेगी। तो अगर मैं इस शेड्यूल को पूरा करूं, सीधे हमारा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कंप्लीट होता है और ये 3 साल के बाद 1,03,000 से बढ़कर 1,20,000 हो गया। प्लस तीनों सालों में जो हमने अफेक्टिवली कमाया 53,000 रुपए, अगर आप अपने इंटरेस्ट इनकम के कॉलम का टोटल करेंगे तो ये भी 53,000 ही एग्जैक्ट बन रहा होगा। आईआरआर ने क्या काम करा कि इस 53,000 की इनकम को सिस्टमेटिकली 3 सालों पे कंपाउंडिंग इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए सिस्टमेटिकली एलोकेट कर दिया और हमारी इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी वैल्यू भी लेकर आ गया। तो आज के इस लेक्चर में डेट के हवाले से, डेट इंस्ट्रूमेंट के हवाले से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।